जो आपकी वीडियो देख लिया उसका तो चैनल मोनेटाइज होगा ही, बार बार रिव्यूज का जो झंझट है वो आएगा ही नहीं, मैं इतना बोल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका चैनल 2 महीने से रीयूज्ड कंटेंट में फंसा हुआ है और मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो आप सोचोगे सर अब आप भी मजा ले रहे हो मेरे चैनल पर, लेकिन मैं मजे नहीं ले रहा हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं, और बताने क्या वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि 2 महीने से जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, रीयूज्ड कंटेंट में फंसे हुए थे, और कैसे उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। एक एक चीजें डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं और सारी डिटेल आज आपको लाइव सेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि भैया आप बताते तो हो लेकिन समझ में नहीं आता है, आप बताते तो हो मैं कौन सी वीडियो डिलीट कर दूं। तो आज आपको मैं एक भाई से मिलवा रहा हूं, और इस भाई का मुझे मैसेज आया कि सर मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मेरे से ज्यादा शायद इन्हें भी खुशी होगी क्योंकि इनका चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो अब मैं आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जिस वीडियो में मैंने इनसे बात की इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने, तो आप पहले इस वीडियो को देखो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते सर, बढ़िया है सर, अपना बताइए। बहुत बढ़िया हूँ, मैंने तुम्हें कॉल अभी किया था, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया तुमने बताया अभी मैसेज करके। जी सर, सब आपकी कृपा है सर, आपकी वीडियो देख देख के और आप ही की वीडियो से मैं मतलब समझ जाइए बार बार रिव्यूज आ रहा था, मैं बहुत परेशान था सर। कितने महीने से रिव्यूज कर रहा था? आपकी वीडियो देख के और आपके हेल्प से ही मेरा चैनल मोनेटाइज। अरे सर 2 बार रिजेक्ट हो चुका था सर। 2 बार रिजेक्ट हो गया, यानी कि 2 महीने से परेशान थे तुम और तुम्हारा चैनल इस बार मोनेटाइज हो गया। हाँ। कितनी वीडियो देखी होगी? जी सर बिल्कुल, और मैं बहुत परेशान, आपका तो मतलब वीडियो डेली देखता हूँ हमेशा, ऐसा नहीं है, और यूज कंटेंट पे आप तो हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में चल रहा है। हाँ हाँ, और काफी लोग भी मतलब मैं खुद आपसे मतलब इतना खुश हूँ, आपकी मतलब वीडियो देख के मेरा मतलब जो भी सलूशन आपने कर दिया, हेल्प भी किया आपने। क्या किया, क्या था ये बताओ, कौन सी वीडियो देखी थी और क्या क्या किया था ये मुझे बताओ। जी सर, जैसे आपने बोला था ना कि जैसे थंबनेल पे अपना ही फोटो लगाना है, ठीक है, ठीक है, मतलब अदर यूट्यूबर का फोटो नहीं लगाना है। हाँ। और जो टाइटल है उसको, टाइटल को मतलब अच्छे से लिखना है, मतलब सर्चेबल टाइटल हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अटपटांग लिख दिया, किसी यूट्यूबर का नाम यूज कर लिया, ऐसा मैं नहीं किया, मैं अपना ही नाम यूज किया। हाँ। और डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने बोला था कि अपने सोशल मीडिया का लिंक डालना है। हाँ। यानी मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है अपने पास, तो मैंने वैसा ही किया। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, जो डिस्क्लेमर आता है अपना, तो आपने बताया था कि मतलब हर वीडियो में डिस्क्लेमर डालना है, तो मैंने वैसा कर दिया और डिस्क्रिप्शन को मतलब छोटा करके और लिख दिया, क्यूरीज लिख दिया 5-6 लाइन में बस, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और थंबनेल भी आपने देखा ही, मतलब बताया वैसे मैंने थंबनेल पे अपना सब थंबनेल पे फोटो लगा दिया। जो रीयूज्ड कंटेंट आया था उसका स्क्रीनशॉट तो है ना पहले से? वो सर स्क्रीनशॉट था, मतलब डिलीट हो गया है, तो अभी क्या मतलब परेशान था मैं सर, मतलब क्या बताऊं, बहुत मतलब मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट कि नहीं भेजा था? भेजा था, मतलब स्क्रीनशॉट भेजा था, पता नहीं अभी है कि नहीं गैलरी में, होगा तो मैं भेज दूंगा आपको, भेजना। और ये बताओ कि तुम क्या अपलोड करते हो अपने चैनल पर? जी सर मेरा तो अब क्या बताऊं, मतलब मोनेटाइज बहुत मुश्किल से होता है, रोस्टिंग का चैनल है अपना। रोस्ट करते हो? रोस्ट करते हैं सर, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि मतलब वो चलता रहता है, तो इसके चलते और मेरा ये डर था कि मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा सर। अच्छा जी सर, तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, तुमने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, हर एक चीज तरीके से किया होगा, तभी मोनेटाइज भी जी हुआ सर। ये बताओ मोनेटाइजेशन भेजने के बाद वीडियो डिलीट किया था क्या कोई? नहीं, मोनेटाइजेशन भेजने के बाद मैंने वीडियो नहीं डिलीट किया था, जैसा आप सभी वीडियो में बताते हैं ना कि मतलब अगर जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, अगर जो वाइज टाइम पूरा हो गया है, तो अपना वीडियो का थंबनेल, टैग, टाइटल या डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी है पूरा चेक करके मैं थंबनेल वंबनेल सब एकदम देख के उसके बाद से मैं अप्लाई किया था, और 20 तारीख को किया था, आज 23 तारीख है, आज हो गया मोनेटाइज, 3 दिन में मोनेटाइज हो गया। लेकिन तुम परेशान थे कि सर देख लो, जैसे आप बोलते हैं ना कि पांडे जी ने जिसका चैनल चेक कर लिया उसका तो मोनेटाइज होना ही है, ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका वीडियो देख लिया, मैं बोलता हूँ दिल से, जो आपकी वीडियो देख लिया उसका तो चैनल मोनेटाइज होगा ही, बार बार रिव्यूज का जो झंझट है वो आएगा ही नहीं,
मैं इतना बोल रहा हूँ। इसीलिए ये सारी चीजें। आपके चैनल का नाम क्या है, नाम तो बता दो। नाम मेरे चैनल का स्मार्ट आदर्श जी है सर। अब स्मार्ट आदर्श तुम्हारा ये, मैं जहाँ तक है मैं आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, और आपने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी ही नहीं जितने भी लोग हैं हमारे साथ रहे हैं। अभी मेरी स्टोरी जाके देखना, आपका मैसेज आया उसके बाद एक लड़के का और मैसेज आया, उसका भी चैनल उल्टा ही हो गया। अच्छा सर, उसके फिर बहुत मतलब बहुत सर खुशी मिलता है कि रोशनी का चैनल का थोड़ा ज्यादा वो रहता है दिक्कत मोनेटाइजेशन में, लेकिन आपकी वीडियो के देखने के बाद मैं सब आपके जैसे बताया गया मतलब ऐसा किया और अपना मोनेटाइज हो गया। और देखिए ना, यूट्यूब पे तो तमाम वीडियो मिल जाएंगे रियूज कंटेंट का मोनेटाइज कराने का, लेकिन आपका जो वीडियो होता है उसमें मतलब एक अलग तरीका होता है, मतलब समझाने का बंदे का, मतलब कैसे समझाएंगे, और बंदे आपके वीडियो को देख के समझते भी है। वही चीजें अभी एक... जी जी जी, क्या है आप नए नए, मतलब आपने इतने बंदों का हेल्प किया है कि आपको देखते देखते सीखते सीखते मतलब इतना अनुभव हो गया है कि आप आंख बंद करके बता देंगे कि ये चैनल मतलब रियूज है कि क्या है। हाँ तो यही चीज, यही सारी चीजें हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो और ज्यादा से ज्यादा अगर चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि एक पहले ही दिक्कत रहती है कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, वो कर लिया किसी तरीके से, बड़ी समस्या है। वो कर लिया तो चलो रियूज आ गया। अब रियूज की समस्या किस तरीके से निपटाया किया जाए, तो इसलिए वीडियो बनाते हैं। जी सर, और रियूज कंटेंट का तो देखते हैं काफी लोग मतलब बनाते हैं, लेकिन आपके वीडियो में दम रहता है, और आप ऐसे ही हमेशा हेल्प करिए यार सभी लोगों का, और ऐसे लोग ना आपको कभी नहीं भूलेंगे यार। जरूर जरूर पक्का हेल्प करेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो ऐसा नहीं पूछ लो मैसेज करके, सारी मैसेज में तो रिप्लाई करता ही हूँ, मैसेज का रिप्लाई चेक करने के लिए जब टाइम होगा तभी करेंगे, और सारी चीजों पर रिप्लाई हमेशा रहता है, तो कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो परेशानी हो। हजारों आपके पास तो हजारों मैसेज आता होगा आपको, तो मान लीजिए तो फिर भी टाइम निकाल के आप रिप्लाई इतना करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बता रहा हूँ सुबह से, सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही है कि 1-1 घंटे में रिप्लाई करता हूँ सबके लोगों के। जी जी, फिर भी उसमें बहुत सारे गरिया के चले जाते हैं, ये दुख होता है। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि आप ही के मतलब सोचा कि आपसे अगर जो ये हुआ है तो सबसे पहले आप ही को बताऊं, मैंने किसी को बताया नहीं, इंस्टा पे मतलब कोई फॉलोअर नहीं है। चलो अब तुम्हारा $100 कंप्लीट हो, सबसे पहले $10 करो, उसके बाद $100, और फिर पार्टी करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, पार्टी तो होगा ही, सबसे पहले मिठाई आपको खिलाऊंगा, और आप ही के चलते मेरा इतना हुआ, अब आगे जो भी होगा अपना मिलते रहेंगे, ठीक है। जरूर जरूर। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, और ऐसे ही आप हेल्प करते रहिए यार, थैंक यू आपको, जरूर बहुत जरूर जरूर जरूर, पक्का पक्का। देख लिया आपने, अब आपको मैं बताता हूं कि अगर तुम्हारे चैनल पर रियूज्ड कंटेंट आया है तो इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, और दूसरी चीज जो इन्होंने बताया है, इनका एक्सपीरियंस तुमने सुन लिया खुद, वो अपने चैनल पर कर लेना, तुम्हारा चैनल डेफिनेटली 100% मोनेटाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पांडे जी ने चेक कर लिया ना तो मोनेटाइज हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, तो जरूर करना ये काम। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।